दोस्तों जैसे लड़की ट्रेन के बाथरूम में गई, लड़का ट्रेन के बाथरूम का गेट पर जाकर खड़ा हो गया। फिर ट्रेन में जो हुआ उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों जब एक अकेली लड़की ट्रेन में सफर करने के लिए चढ़ी, उसके साइड लोअर सीट था और वो अपने सीट पर पहुंच गई और अपने सफर को एंजॉय करते हुए जा रही थी। उसके थोड़ी देर बाद एक लड़का चढ़ता है, उसका भी लड़की के बगल वाला ही सीट था। अब दोनों चुपचाप अपने सफर को एंजॉय करते हुए, गाने सुनते हुए, गेम खेलते हुए और किसी से बात करते हुए जा रहे होते। कुछ टाइम सफर करने के बाद अब लड़का और लड़की अपने में कुछ न कुछ बातें करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। उसके बाद उन दोनों का सफर में और इंजॉय मिलने लगता है। अब लड़की हंस हंस के अपनी सारी चीजें बताने लगती है, लड़का भी काफी अच्छे से बात करते हुए उस लड़की से जा रहा होता है। लेकिन पता नहीं लड़के के मन में ऐसा क्या विचार चल रहा था, लड़की के हंस हंस के बातें करने की वजह से लड़के के मन में कुछ अलग ही ख्याल आने लगे। किसी न किसी बहाने लड़की को छूने की कोशिश कर रहा था और कभी अपने पैरों से धीरे धीरे उसके पैरों को पास ले जाकर तो कभी अपने सामान उतारने के बहाने उसके साथ छूने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लड़की को समझ नहीं आ रहा था, लड़की सोच रही थी कि शायद गलती से ऐसा हो रहा है और लड़की कुछ नहीं बोल पा रही थी। ऐसी हरकतें करते हुए दोनों अपने में बात करते हुए सफर को एंजॉय करते हुए जा रहे होते। थोड़ी देर बाद जब लड़की ट्रेन के बाथरूम की तरह जाती है, फिर लड़के के मन में पता नहीं क्या आता है, लड़का भी पीछे पीछे ट्रेन के बाथरूम के गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता। जैसे ट्रेन के बाथरूम से लड़की बाहर निकलती है, लड़की को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन लड़की अपने सीट पर आकर बैठ जाती है। लड़का भी फिर बाथरूम से आ जाता है और चुपचाप अपने सीट पर दोनों आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि लड़की को शक हो जाता कि यह मुझसे बदतमीजी कर रहा है। और लड़की कुछ नहीं कह पाती है, चुपचाप अपने सफर करते हुए जा रही होती है। जैसे कुछ देर बाद दोबारा लड़की वॉशरूम की तरह जाती है, फिर दोबारा लड़का फॉलो करते हुए वॉशरूम के गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और लड़की जैसे बाथरूम का गेट खोलकर निकलती है, उतने में लड़का अजीब तरीके से दिखते हुए कुछ गलत बातें करने लगता है और लड़की चुपचाप आकर अपने सीट पर बैठ जाती है और वो फिर कुछ नहीं बोल पाती। फिर लड़की ने जब कुछ जवाब नहीं दिया, फिर लड़का सीट के पास आकर बैठ जाता है। फिर लड़का अजीब तरीके से देखते हुए उसको पहले से ज्यादा परेशान करने लगता है। अब लड़की परेशान होती जाती है, फिर बोलती है कि आप ऐसा मत करो, आप आराम से सफर करो। ऐसे करते हुए इन दोनों का सफर चल रहा होता है। अब लड़की इस लड़के के हरकतें से काफी परेशान होती जा रही थी, क्योंकि ना तो आसपास वहां पर टीटी आ रहे थे और ना ही कोई रेलवे के स्टाफ देखने को मिल रहा था। लड़की अपने सामान को भी छोड़कर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि यह लड़का लेकर भाग जाए इस डर से वो कहीं जा भी नहीं पा रही थी। फिर लड़की ने ऑनलाइन इसके बारे में तरीका ढूंढा, फिर उसे मालूम चला कि अगर हम ट्विटर पर किसी को कंप्लेन करते हैं तो तुरंत एक्शन होता है। उससे फिर ट्विटर हैंडल पर जाकर अपने कंप्लेन को दर्ज किया, उधर से कुछ डिटेल मांगा, फिर लड़की ने अपने डिटेल को शेयर किया। और जैसे ट्रेन के अगला स्टॉपेज आने वाला था, उस स्टेशन पर आरपीएफ की टीम चढ़ी और उस लड़के को सीट से हटाया, तब जाकर अब वो अकेली लड़की अपने सफर को अच्छे से कर पाई। दोस्तों आप भी कभी ट्रेन में अकेले सफर करते हैं और आपके साथ भी कुछ ऐसे अजीब घटना देखने को मिलता है, तो आप सबसे पहले टीटी को इन्फॉर्म करें। अगर टीटी नहीं मिलता है तो ट्विटर पर जाए और ट्विटर हैंडल पर जाकर अपनी शिकायतों को दर्ज करें। वहां पर आपको तुरंत इंक्वायरी होगी, कुछ डिटेल जैसे ट्रेन नंबर, सीट नंबर और आपका पीएनआर नंबर, यह सब पूछा जाएगा। जैसे आप उनको देंगे जल्द से जल्द आपकी मदद किया जाएगा। क्या ट्विटर का यह तरीका आपको पहले से मालूम था? कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताना, क्योंकि इसमें मालूम चलेगा कि कितने लोगों को यह तरीका मालूम था। अगर नहीं मालूम था तो कमेंट में नो जरूर लिखना।